स्वयं सम्राट अकबर बैठा करते थे। इसकी दीवारों पे उस समय के किस प्रकार के लेख हमें देखने को मिल रहे हैं कि यह इमारत चारों तरफ से वर्गाकार आकृति में बनी हुई है। दोस्तों, यहीं से वो शिकार खेलने के लिए भी जाता था, शिकार करता था इस जगह से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं महाभारतकालीन ऐतिहासिक नगरी विराटनगर। यह क्षेत्र महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करता था। दोस्तों, यह क्षेत्र महाभारत से लेकर के आज के समय तक भारतीय संस्कृति को समाया हुआ एक क्षेत्र है। दोस्तों, यहाँ पर महाभारत काल के अवशेष, मौर्यकालीन अवशेष, मुगलकालीन अवशेष और आधुनिक समय में भी अनेक स्थान इस नगर में स्थित है। दोस्तों, आज हम आपको अरावली की इन सुरम्य पहाड़ियों में स्थित ऐसे ही मुगलकालीन एक स्थान की ओर लेकर के चल रहे हैं, जिसे मुगल गेट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए दोस्तों, चलते हैं अब उस स्थान की ओर। पहुंच चुके हैं हम मुगल गेट पर। ये जो गेट है, ये मुगल बादशाह अकबर ने बनाया था। दोस्तों, ये जो गेट है, इसको मुगल बादशाह ने स्थापत्य कला की कुछ विशेषताएं इसमें शामिल करी हैं। दोस्तों, ये जो इमारत है, अकबर ने अपने भ्रमण के दौरान रुकने और शिकार खेलने के लिए बनाई थी। दोस्तों, इस इमारत में कुछ विशेषताएं देखने को मिलती हैं कि यह इमारत चारों तरफ से वर्गाकार आकृति में बनी हुई है। दोस्तों, इसका जो चबूतरा है, इसकी भी इन चबूतरों की जो लंबाई है वो समान है, यानी कि वर्गाकार स्थिति में है। चारों तरफ से जब हम देखेंगे तो एक समान इनके चबूतरे बने हुए हैं। साथ में दोस्तों, ये जो चबूतरा है, इस पर ये जो नाली दिखाई दे रही है, ये उस समय की स्थापत्य कला की एक विशेषता ये है कि पानी के निकास के लिए किस प्रकार से चारों तरफ से नाली घुमा करके बनाई गई थी। साथ में दोस्तों, आप देखिए कि ये जो आपको एक गली नुमा एक ये दिखाई दे रहा है, इसकी एक विशेषता है कि जब हम यहाँ से देखेंगे तो उस तरफ पूरा आरपार दिखाई देगा। ऐसे ही दोस्तों, चारों कोणों में जब हम जाएंगे, इस कोने से जब हम इस कोने में जाने वाले हैं, तो इसी प्रकार का एक गेट हमें दोस्तों यहाँ दिखाई दे रहा है। देखो, ये भी इसको क्रॉस करते हुए आरपार हमें दिखाई देता है। दोस्तों, चारों कोणों में इसी प्रकार के गेट हैं। जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो मेरे को देखने को मिल रहा है कि ये जो मेन गेट हमें दिखाई दे रहा है, वास्तव में दोस्तों ये मेन गेट नहीं है। ऐसे ही गेट चारों तरफ इस इमारत के हमें देखने को मिलेंगी कि जब हम इसके अंदर घुसते हैं तो सामने हमें ये जो गेट दिखाई दे रहा है दोस्तों जब हम इसके अंदर प्रवेश करते हैं तो हमें ये गेट दिखाई दे रहा है और सामने भी वो गेट हमें दिखाई देगा। ऐसे दोस्तों, जब हम उस दिशा में जाने वाले हैं तो भी हमें ऐसा ही दृश्य देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों, इस इमारत में ये जो विशेषता है, चारों तरफ एक स्थिति है। दोस्तों, ऊपर की तरफ देखिए, यह जो आपको एक जिसको कहते हैं झरोका टाइप में बना हुआ है, यह भी इस इमारत के चारों कोणों पर बना हुआ है। दोस्तों, ऐसे ही दोस्तों, ये जो इमारत है, इस इमारत के ऊपर जब हम देखते हैं तो छतरी हमें एक दिखाई देती है। दोस्तों, यह जो छतरी है, इस इमारत के चारों कोणों में एक जैसी छतरियाँ हमें देखने को मिलती हैं। दोस्तों, क्योंकि यह इमारत वर्गाकार है और इसके प्रत्येक कोने में ये छतरियाँ इस इमारत के ऊपर बनी हुई हैं। जब हमें इस ये जो छतरी हैं, जब हम इनको एक सिद्ध में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक ही छतरी हमें दिखाई दे रही है। दूर से जब हम देखेंगे दोस्तों इन छतरियों को, तो ये एक सिद्ध में एक रूप में दिखाई देती है। दोस्तों, साथ में दोस्तों, जब इस इमारत को गौर से हम देखेंगे तो चारों तरफ जो घूमेंगे तो यह जो इमारत है, एक जैसी ही आकृति में बनी हुई हमें प्रतीत होती है। दोस्तों,
मुगल बादशाह अकबर ने अपने जयपुर भ्रमण के दौरान, वो जयपुर आया जाया करता था, उसमें वो रुकने के लिए उसने यहाँ 3 जो इमारतें थी उनका निर्माण करवाया था, जिनमें से ये पंचमहला जो है ये इमारत है। दोस्तों इस इमारत को अकबर था दोस्तों, यहीं से वो शिकार खेलने के लिए भी जाता था, शिकार करता था इस जगह से। दोस्तों इस इमारत को जब हम अंदर से देखेंगे तो मुगलकालीन स्थापत्य कला और चित्रकला के जो प्रमाण हैं, जो तथ्य हैं, वो हमें देखने को इस इमारत के अंदर मिलने वाले हैं। दोस्तों कितनी सुंदर ये इमारत हमको बाहर से दिखाई दे रही है। अकबर इस इमारत का उपयोग यहाँ रुकने के लिए क्या करता था तो देख रहे हैं, पीछे से देखेंगे तो भी वैसा ही सेम हमें गेट जो है वो जैसा इसकी बनावट है, वो आगे से भी पीछे से भी बाएं से भी दाएं से भी उसी प्रकार का दिखाई देने वाली है। दोस्तों ये जो इमारत है इसमें जब हम अंदर जाएंगे, इसकी जो सीढ़ियां हम चढ़ने वाले हैं वो भी हमें सेम मिलने वाली हैं, यानी कि एक जैसी मिलने वाली हैं। पर्वतमालाएं हैं और दोस्तों ये जो क्षेत्र है ये मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर कहलाता है। दोस्तों मेरे पीछे ये जो पहाड़ दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर एक मंदिर बना हुआ है जो भीमसेन जी का मंदिर यानी कि भीमगट्टा कहलाता है। दोस्तों इस भीमगट्टा मंदिर के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हमने ये इमारत बाहर से देखी है, अब इस इमारत पर अंदर हम जाने वाले हैं। और दोस्तों ये जो चित्रकला भी बाहर से हमें थोड़ा कुछ दिखने को मिल रहा है, इस पूरी चित्रकला को हम जाने वाले हैं। यह अंदर का गुंबद हमको दिखाई दे रहा है। देखिए दोस्तों ऊपर की तरफ ये जो बना हुआ है कालीन, यह कितनी सुंदर रंग और किस प्रकार का सामंजस्य इस चित्रकला में हमें देखने को मिल रहा है। साथ में दोस्तों इस परिसर को जब अंदर से निहारते हैं तो यहाँ चारों जो दीवारें हैं एक ही प्रकार की हमें दिखाई दे रही है। दोस्तों मुगल कालीन यह जो स्थापत्य कला है यह अति सुंदर हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों किस प्रकार से चारों तरफ चारों कोनों में किस प्रकार की ये जो गुंबद जैसे निकाले गए हैं, साथ में दोस्तों ये जो दरवाजे हैं इनके ऊपर किस प्रकार की जालीनुमा ये जो झरोखे हैं ये निकाले गए हैं, साथ में दोस्तों इस जो भवन है इसके अंदर प्रत्येक जो दीवार है इस पर दो दो जिस प्रकार के आलिये जो बनाए गए हैं, और दोस्तों जब आलियों को निहारते हैं तो लेक भी हमें देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे लेक इन आलियों में छपे हुए हैं। दोस्तों इसकी दीवारों पे उस समय के किस प्रकार के लेक हमें देखने को मिल रहे हैं, यह अगर हमें इन्हें गौर से देखें तो शायद कुछ चीज़ें हमें समझ में भी आ जाएं, लेकिन बहुत प्राचीन होने के कारण, लगभग 400-500 वर्ष पहले की होने के कारण अभी काफ़ी धुंधली हो चुकी हैं, जिन्हें पढ़ना लगभग संभव नहीं है, परंतु अक्षर अभी भी इस पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। शायद इस इमारत के बारे में इन पे जानकारी है या मुग़ल शासकों या किसी प्रकार की मुग़लकालीन स्थितियों के बारे में इन पे कुछ लेख इस प्रकार से लिखे गए हैं, काफ़ी बारीक भी हैं। और दोस्तों ये जो इमारत है इसकी दीवारें 3 फीट चौड़ी दीवारें ये देखने को मिल रही हैं, जो एक अद्भुत एक स्थिति को बताती हैं कि किस प्रकार इतनी मोटी दीवारों का निर्माण उस समय के कारीगरों के द्वारा किया गया था। और दोस्तों
इस पर जो महीन चित्रकला है, जहाँ रंग जो हैं, कलर्स जो हैं, उनका सामंजस्य है, उनका किस प्रकार से वो किया गया है, वो भी हमें देखने को मिलता है। और ये जो छोटे छोटे नोट्स हैं, ये किस प्रकार से लिखे गए होंगे, ऐसा लगता है जैसे किसी कागज पे लिख करके या चिपकाया गया हो, परंतु वो आज तक उसी स्थिति में चिपके हुए हैं, उसी स्थिति में उत्कीर्ण हैं, और जिन्हें हम अब देख रहे हैं। और दोस्तों, यह जो इमारत है, ये अति सुंदर देखने को मिल रही है। हालांकि साफ सफाई की व्यवस्था इस प्रकार से नहीं है, वरना ये इमारत एक चमकते हुए सफ़ेद उसकी तरह हमें देखने को मिल सकती है। और दोस्तों, इस इमारत को देखने के बाद मन ऐसा करता है, क्योंकि जिस स्थान पे खड़े होंगे, चारों तरफ से हवा हमें देखने को मिलेगी। एक ये बोर्ड मैं देख रहा हूँ, इस पर ऐसा लिखा हुआ है कि मुगल कालीन कुछ इस प्रकार की चीज़ें, इस पर छोटी छोटी चीज़ें पढ़ने में नहीं आ रही, लेकिन लिखी हुई है बहुत सारी चीज़ें इस पर ऐसा लिखा हुआ है। और दोस्तों, जब हम इस भवन में खड़े होंगे तो चारों तरफ से हवा इस प्रकार से आती है कि इस भवन में, हाँ दोस्तों, एक ये नोट्स में देख रहा हूँ, उर्दू भाषा में मेरे को ये लिखा हुआ दिख रहा है, शायद ये किसी पत्थर पे उतर करके इस दीवार में शिफ्ट करवाया गया है, बिल्कुल एकदम फिट इस दीवार में है। और दोस्तों, मैं जैसा बता रहा था कि यहाँ जिस स्थान पे मैं खड़ा हूँ दोस्तों, इस स्थान से हवा जो है चारों तरफ से, आपको दिख रहा होगा कि हवा की वजह से काफ़ी मैं भी, मेरी जो आवाज़ है वो भी गूंज रही है। हवा ऐसा लगता है जैसे एसी चल रही हो, पंखे चल रहे हो, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, पंखे और एसी है नहीं, परंतु हवा का जो वातावरण है, इतना भव्य है जो देखने को मिलता है। दोस्तों, ये दीवार को देखिए, मेरे हिसाब से 7 फीट चौड़ी या 8 फीट चौड़ी ये दीवार होगी, कारीगरों ने किस प्रकार निर्माण किया। इस दीवार के सारे फिर जिससे हम घूमेंगे, सेम वही दीवार हमें देखने को मिलेगी, यानी कि चारों तरफ से इस बिल्डिंग को, इस जो खाने हैं इनमें से घूमते हुए हम इसको देख सकते हैं, और चारों तरफ से एक ही स्थिति है। दोस्तों, ये जो आपको ऊपर जो जैसा दिखाई दे रहा है, ये हर गेट पे आपको इसी प्रकार की चित्रकला और इसी प्रकार का जो बनावट है वो आपको देखने को हर गेट पे इसी प्रकार की मिलने वाली है दोस्तों। और दोस्तों, जिस प्रकार के इस गेट पे जो चीज़ें हैं, अन्य गेटों पे भी इसी प्रकार की चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। दोस्तों, अब मैं उस दरवाजे से घूमता हुआ तीसरे दरवाजे की तरफ आ चुका हूँ, लगता है पहले नंबर के दरवाजे पे फिर से खड़े हैं। तो यह जो बनावट है, स्थापत्य कला है, एक अपने आप में अद्भुत कला है। और दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ मैं, फिर उसी प्रकार की दीवार, उसी प्रकार का ये लगभग जो वो है, इससे निकलता हुआ मैं निकलता हूँ फिर से। जैसे ही मैं अगले गेट पे जाने वाला हूँ दोस्तों, आप देखेंगे कि सेम मैं नेक्स्ट चौथे नंबर के गेट पे पहुँच रहा हूँ दोस्तों, आपको लेकर के। और दोस्तों, जब इस गेट पे अभी अपन पहुँचने वाले हैं, तो देखेंगे कि जैसा लग रहा है पहले ही गेट पे खड़े हूँ। दोस्तों, मैं फिर से चौथे नंबर के गेट पे पहुँच चुका हूँ। देखिए दोस्तों, ऐसा ही लग रहा है कि पहले नंबर का ही गेट है, यानी कि चारों तरफ के गेट, चारों तरफ की स्थिति सेम एक जैसी हैं, एक तरह से बनी हुई हैं। तो दोस्तों, ये एक अद्भुत उस समय की स्थापत्य कला का ये जो दृश्य है, ये हमको इस जो मुगल गेट है इसमें देखने को मिला है। दोस्तों, अभी मैंने ये जो मुगल गेट है आपको नीचे से दिखाया है, इसकी चार दीवारी और इसका जो चबूतरा है वो मैंने आपको दिखाया है। दोस्तों, अब इसके बाद हम इस भवन के ऊपरी छोर पर, यानी कि दूसरी इमारत पर चढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इसकी ऊपरी इमारत पर चढ़ने के लिए भी प्रत्येक गेट पर, जैसे चार गेट हैं तो प्रत्येक गेट पर चार सीढ़ियां हैं। दोस्तों, ये जो सीढ़ी दिखाई दे रही है, यह ऊपर चढ़ने के लिए है। ऐसे दोस्तों, उधर भी गेट के उस दिशा में भी सीढ़ियां बनी हुई है, चारों गेटों पर इसी प्रकार से सीढ़ियां हैं। दोस्तों, इन सीढ़ी से अब अपन ऊपर चढ़ने वाले हैं, तो आइए मेरे साथ ऊपर की मंजिल हम इस सीढ़ियों से चढ़ के देखने वाले हैं। दोस्तों, ऊपर चढ़ चुका हूं, और चढ़ते ही पहला ये जो कमरा आया है, वाह क्या हवा है, और हवा के साथ क्या चित्रकला है। दोस्तों, देखिए किस प्रकार की चित्रकला हमें देखने को मिल रही है। ऐसा एक सन्यासी के रूप में बैठे हुए हैं, और संगीत का चित्रांकन यहाँ किया गया है।
साथ में दोस्तों जो ये जो चित्रकला हमें देखने को मिल रही है ग्रामीण परिवेश में ऊँटों को ले जाते हुए, ऐसे ही एक चित्रकला घोड़ों की ऐसे हमको देखने को मिल रही है। दोस्तों यह जो चित्रकला है एक अपने आप में अद्भुत है। उस समय इस प्रकार के कलाकार थे कि कितनी अच्छी चित्रकला बनाई है। दोस्तों यह जो आपको चित्रकला दिखाई दे रही है, ऐसा लगता है कि सम्राट जो अकबर था वो अपने जो आसन है उस पर विराजमान है और शायद ऐसा लग रहा है कि उनकी सेवा उनकी बेगम के द्वारा की जा रही है। ऐसे चित्र में दिखाई दे रहे हैं। ऊपर देखिए दोस्तों पक्षियों के चित्रण भी इस इमारत में स्थित हैं, जैसे हमें अनेक प्रकार के पक्षी देखने को मिल रहे हैं। और एक चित्र है दोस्तों जिसमें दिखाया गया है कि एक छोटे पक्षी का शिकार बड़े पक्षी के द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार की चित्रकला यहाँ पर हमें देखने को दोस्तों मिलती है। इसी प्रकार से कुछ चित्र हमें राजा महाराजा टाइप में भी यहाँ देखने को मिल रहे हैं, जिनके हाथ में कुछ अस्त्र शस्त्र भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों यह बहुत सुंदर चित्रकला इस परिसर में हमने देखी। और दोस्तों अब इससे ऊपर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके साइड की जो कमरे हैं वहाँ की चित्रकला भी अभी हम देखेंगे। तो आइए दोस्तों और ऊपर चलते हैं, मेरे साथ चलिए। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मैं पहुँच चुका हूँ दूसरी मंजिल पर, लेकिन दूसरी मंजिल पर पहुँचते ही दूसरी सीढ़ी तैयार है नीचे जाने के लिए, यानी कि वो दूसरे कक्ष में जाएगी, जैसा कक्ष मैंने आपको अभी दिखाया है। तो दोस्तों उसको बाद में देखेंगे, उससे पहले अपन चलते हैं छतरियों को देखते हैं कि ये छतरियाँ देखिए चारों कोणों पर इस प्रकार की छतरियाँ हैं। मैं इस छतरी के पास में खड़ा हूँ और ऊपर भी चढ़ ही जाता हूँ। दोस्तों क्या ठंडी हवा आ रही है, धूप काफ़ी है लेकिन हवा इतनी अच्छी आ रही है कि धूप का एहसास तक नहीं हो रहा। और देखो कैसा लग रहा है दोस्तों इस छतरी में खड़े होने के बाद, शायद अकबर को कैसा लगता होगा शायद अनुभव भी नहीं कर सकते। और दोस्तों इसमें जो चित्रकला आपको दिखाई दे रही है, एक जिसको कहते हैं अपने मांडले जो अपन घर पर बनाते हैं उस प्रकार के मांडले इस जो छतरी है उसमें बनाई गई है। उस समय से अब तक ये मांडले इसी प्रकार से दोस्तों इस छतरी में अविष्टित है। दोस्तों क्या 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 चीज़ें वो मिलाते होंगे कि जो रंग हैं अभी तक बने हुए हैं। और दोस्तों यहाँ चढ़ने के बाद तो पूरा विराट नगर ऐसा लग रहा है मत्स्य क्षेत्र यहीं से देख रहे हैं, बहुत सुंदर मत्स्य क्षेत्र देखने को मिल रहा है। दोस्तों चलते हैं दूसरी छतरी पर, इस परिसर से चारों कोने पे जाकर के इस विराट नगर को निहारेंगे। दोस्तों कितना सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है। दोस्तों ये छतरी नंबर दो पर आपको लग रही होगी छतरी नंबर एक, क्योंकि सेम वही छतरी है, वही इस पे उस प्रकार के मांडले बने हुए हैं। और सेम जैसा पहली छतरी आपको दिखाया दोस्तों ये छतरी भी वैसी है। मैंने पहले ही बताया दोस्तों इस इमारत की विशेषता यही है कि यहाँ सब कुछ एक जैसा है। जैसा अभी मैंने सीढ़ियाँ बताया, एक सीढ़ी चढ़ते ही दूसरी सीढ़ी उतरने को तैयार है। ऐसा ही मैंने आपको नीचे भी दिखाए थे, गेट दरवाजे वो सारी चीज़ें समान थी। दोस्तों तीसरे नंबर की छतरी पर चलते हैं, देखते हैं क्या उसमें अंतर है क्या। और देखो देखो दोस्तों ये है ना समान दूरी पर बनी हुई भी है। चलिए दोस्तों चलते हैं, तीसरे नंबर की छतरी पे पहुंच चुके हैं और इसके बाद मैं आपको एक बहुत बड़ी छतरी भी दिखाने वाला हूं। देखिए दोस्तों यहां भी चित्रकला है, यहां मांडने नहीं है पर हालांकि छतरी वैसी ही है, लेकिन यहां जो चित्र बने हुए हैं एक राजा और रानी के चित्र हमें दिखाई देते हैं। और देखिए दोस्तों कान्हा और राधा का चित्र ऐसा लग रहा है कि जैसे राधा और कृष्ण का चित्र भी हमें देखने को मिल रहा है। ऐसा ही एक चित्र बच्चे को माँ गोद में लिए हुए और राजा का चित्र हमें देखने को मिल रहा है, शायद ये प्रेम का प्रतीक चित्र है। और ऐसा ही चित्र हमें देखने को मिल रहा है कि पक्षी उड़ रहा है, मोर नाच रहा है और राजा और रानी शायद उनके साथ ही, उस प्रकार का दृश्य देखने को मिल रहा है। यहाँ ऐसा लग रहा है नृत्य करते हुए राजा और महाराजा का चित्र हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों साथ में ही निहारिए मत्स्य नगर की राजधानी विराट नगर, विशाल आपको दूरी पर दिखाई दे रहा है दोस्तों।
और दोस्तों देखिए इस नगर को जो प्राचीन काल में तिब्बत की राजधानी हुआ करता था, जहाँ पांडवों ने प्रख्यातवास व्यतीत किया था। दोस्तों चलते हैं अब चौथे नंबर की छतरी पर, और दोस्तों मैं आपको इसके बाद दिखाने वाला हूँ एक भव्य छतरी, लेकिन अभी पहले चार नंबर की छतरी हम देखने वाले हैं। उसके बाद आपको वो छतरी भी दिखाने वाला हूँ जहाँ सम्राट अकबर स्वयं बैठा कर। दोस्तों अब मैं चौथे नंबर, लेकिन लगा आपको ये पहले नंबर वाली छतरी होगी। यहाँ भी कुछ चित्र हैं, राजा महाराजाओं से संबंधित चित्र हैं। पहला चित्र आपको दिखाई दे रहा है कि एक नृत्यांगना नृत्य कर रही है और जैसे राजा या सम्राट उसको देख रहे हैं। दूसरा चित्र भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक पेड़ हमें दिखाई दे रहा है जिसमें काफ़ी संख्या में पुरुष और स्त्रियां बैठे हुए हैं। या एक चित्र आपको इस दिशा में दिखाई दे रहा है कि जैसे कोई आदेश जनता को दे रहे हो महाराजा। और चौथे नंबर की दीवार पर जब हम देखते हैं तो यहाँ भी एक अद्भुत चित्र हमें देखने को मिल रहा है। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं उस बड़ी छतरी पर। साथ में दोस्तों मैं इस छतरी पे जहाँ खड़ा हूँ, पीछे आपको एक विशाल दरवाज़ा और एक मंदिर, सफ़ेद मंदिर दिखाई दे रहा है। दोस्तों इसको जैन संप्रदाय में नसिया जी कहा जाता है। दोस्तों यह जो नसिया जी है, यहाँ भगवान पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा विराजमान है। और दोस्तों आप इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए हमारी इस वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके और देख सकते हैं। साथ में दोस्तों आपको नज़दीक ही एक पहाड़ पर, एक विशाल पहाड़ पर एक मंदिर दिखाई दे रहा है जिसे भीमगट्टा के नाम से जाना जाता है। यह पांडवकालीन एक स्थान है जहां पर भीम ने अपनी लात से एक लता का निर्माण किया था। दोस्तों इसकी भी अधिक जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और भी अधिक वीडियोज के लिए आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के भी अधिक वीडियो देख सकते हैं। आइए दोस्तों अब मैं लेकर के चलता हूँ उस मुख्य छतरी की ओर जहाँ पर स्वयं सम्राट अकबर बैठा करते थे। और यहाँ के जो ये जो मत्स्य क्षेत्र है, इसके अद्भुत इस नज़ारे को, इस अरावली पर्वतमाला की छवि को वो निहारा करते थे। साथ में ही यहाँ से वो शिकार खेलने के लिए भी जाते थे। दोस्तों देखिए ये छतरी कितनी विशाल बड़ी छतरी है। और इस जो परिसर है, ये जो इमारत है, इसके सबसे ऊपरी छोर पर बनी हुई है। और यहाँ अनेक प्रकार के चित्रांकन हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ राजा घोड़े पर सवार यानी कि युद्ध के कुछ चित्र हमें देखने को मिल रहे हैं। साथ में दोस्तों ऊपर एक गुंबद है जहाँ जो ईरानी जिसको कहे हैं हम, मुगल कालीन चित्रकला है। और दोस्तों यहाँ मुगल समय में किस प्रकार के बर्तन काम में लिए जाते थे, किस प्रकार की चित्रकला है, उस प्रकार के चित्र हैं, राजा और रानी के चित्र हैं, युद्ध के हाथी और घोड़ों पर बैठ करके किस प्रकार युद्ध जो होते थे उनका वर्णन यहाँ बनाया गया है दोस्तों। और दोस्तों चारों तरफ इस पे ये चित्र बने हुए हैं, हथियार लेकर के घोड़ों पर विराजमान होकर के और ये चलते हैं। दोस्तों एक चित्र हमें देखने को मिल रहा है कि इसमें ये जो प्राचीन है जो मटका होता था उस टाइप में जो शराब के लिए रखा जाता था, जिसमें जो राजा महाराजा होते थे अपने जो मदिरा सेवन के लिए, ऐसा एक ये भी यहाँ बना हुए हैं जिसको सुरई बोला करते थे। दोस्तों यहाँ एक ये जो छतरी है इसमें हवा चारों तरफ से आती है, तो यहाँ गर्मी का एहसास गर्मी के दिनों में भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। साथ में ही हरे भरे इस अरावली जो क्षेत्र है, यह जो मत्स्य परिक्षेत्र है, यहाँ के दर्शन भी इस पर बैठ करके अकबर किया करता था। और दोस्तों यह है, ये वास्तव में प्राचीन समय से लेकर के आधुनिक समय तक एक सभ्यता और संस्कृति का स्थान रहा है। दोस्तों यहाँ आने के बाद मन को एक बड़ी अनुभूति होती है और यहाँ हमें ऐतिहासिक चीज़ों की अत्यधिक मात्रा में जानकारी भी मिलती है। दोस्तों अब हमने यह जो छतरी है इसको देख लिया है, अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। आपको वो सीढ़ियाँ दिखाते हैं जिनसे एक सीढ़ी पे चढ़ के आप दूसरी सीढ़ी से उतरते हैं और अगला जो दरवाज़ा है वो आप देख सकते हैं। आइए दोस्तों आमने सामने बनी ये सीढ़ियाँ आपको दिखाते हैं और इस सीढ़ी से उतर करके हम उस कमरे को देखने वाले हैं जैसा मैंने पहले आपको एक कमरा दिखाया था।
प्रवेश करते हैं इस विशाल कक्ष में। दोस्तों देखिए कितनी अच्छी सुंदर चित्रकला है। दोस्तों निहारिए मंदिरा का सेवन करते हुए महाराज, स्नान करती हुई रानी, और दोस्तों इधर देखिए सुरई का चित्र आपको दिखाई दे रहा है, मल्ल युद्ध करते हुए योद्धा, और दोस्तों राजा महाराजाओं के चित्र, बहुत सुंदर जो इस छतरी पे बने हुई रंग बिरंगी कलाकृतियाँ, और दोस्तों युद्ध करते हुए दो शासक, युद्ध कला का भी यहाँ दृश्य है। ऐसे ही शायद शिकार का ये दृश्य जो हिरणे दिखाई दे रही है, इस प्रकार का मनोरम चित्रकला का यहाँ प्रदर्शन देखने को मिलता है। यह जो चित्रकला है मुगलकालीन चित्रकला दोस्तों कहलाती है, और दोस्तों यह चित्रकला जहांगीर के समय में अपने चरम उत्कर्ष पर थी, और स्थापत्य कला हालांकि मुगल समय में चलती आई है, लेकिन स्थापत्य कला भी सांझा के समय में अपने स्वर्णिम काल में थी, परंतु चित्रकला जहांगीर के समय में स्वर्णिम काल में थी। दोस्तों जहांगीर अकबर का ही पुत्र था, तो ये वो चित्रकला में विशेष रुचि रखता था, तो हो सकता है कि उस समय की ये चित्रकला जिसमें जहांगीर का भी कुछ योगदान रहा हो, परंतु मुगल कालीन यह चित्रकला एक अद्भुत संगम को बिखेरे हुए है। और यह जो स्थापत्य है यह मुगलकालीन स्थापत्य है ही। दोस्तों सीढ़ियों के नीचे से अस्तबल के लिए ये रास्ता भी बनाया गया था, कि ये जो पूरा एक बड़ा अस्तबल आपको देखने को मिल रहा है, मैं चलते जा रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ, बाहर की तरफ घोड़ों को बांधने के लिए अस्तबल की व्यवस्था है, साथ में ही अंदर सेना के लिए, सेना जहाँ विश्राम कर सके उसके लिए बड़े छोटे कमरे और अंदर विशाल कमरे बनाए गए हैं। दोस्तों ये कमरे भी हम देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे गुफा के रूप में ये कमरे बनाए गए हैं जहाँ सेना विश्राम करती थी। दोस्तों ये पूरा लगभग अस्तबल था जहाँ काफ़ी मात्रा में घोड़े बांध दिए जाते थे और सेना अंदर विश्राम करती थी, और इनमें जाने के लिए लगभग एक रास्ते के बाद दूसरा रास्ता निकलता है, जैसे उधर से निकल करके हम इसमें आ गए, यहाँ फिर से वही कमरा और वही अस्तबल का ये बना हुआ है दोस्तों, जहाँ सेना विश्राम किया करती थी। और इस स्थापत्य कला में ये जो अस्तबल और सेना के रख रखाव के लिए जो स्थान बनाया गया है, यह जो इमारत है इसकी बिल्कुल नीचे, जैसे हम कहते हैं ना मकानों में तलघर बनते हैं, उस प्रकार से तलहटी में ये कमरे और अस्तबल अकबर के द्वारा निर्मित किए गए थे, जहां उसकी सेना व्यवस्थित रूप में रह सकती थी। और दोस्तों ये जो स्थान है, ये जो परिसर है, यहाँ पर इसको पक्का करने के लिए पट्टी भी बिछाई गई है, और इसकी दीवारों को देखिए दोस्तों कितनी विशाल यानी कि मोटी दीवारें हैं, जो कि लाल चूने से बनी हुई ये दीवारें हैं, जो आज भी 400-500 साल बाद अपनी उसी स्थिति में हैं। तो दोस्तों आपने ये जो मुगल गेट है ये आपने देखा, इसका जो स्थापत्य है वो आपने देखा, इसकी चित्रकला है वो आपने देखी दोस्तों। आपने ये मुगलकालीन गेट, अकबरकालीन समय का बना हुआ ये इमारत आपने देखा, जिसे पंचमहला के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और हम और आपको वीडियो हम दिखाने वाले हैं एक नए स्थान की, एक नई वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो पर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।